नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आज शुजालपुर की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के द्वारा घोषित करे बंद करने से किसानों ने हंगामा कर दिया। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही मंडी प्रशासक और एसडीएम अर्चना कुमारी ने मंडी कमेटी पहुंचकर पुलिस की निगरानी में लगभग 2 घंटे के बाद घोष विक्रय शुरू करवाया। गौरतलब है कि शुजालपुर की कृषि उपज मंडी में बाहरी श्रमिकों के द्वारा मंडी में कार्य करने पर स्थानीय श्रमिकों के द्वारा विगत 4 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं स्थानीय व्यापारी भी हम्बाल संघ के कुछ पदाधिकारियों से काम नहीं करवाना चाहते। इसी कारण यह समस्या शुजालपुर कृषि उपज मंडी में आ रही है। व्यापारी और कृषक हम्बालों के बीच हो रही इस जद्दोजहद के कारण बंद घोष विक्रय से आसपास के गाँव से अपनी फसल बेचने वाले किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चला है कि कुछ लोगों ने आकर के बाहर से डराया धमकाया, हम उनके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जो किसान बहुत दूर दूर से होशंगाबाद और हरदा तरफ से भी किसान आए हुए हैं यहाँ पर माल लेकर के, बारिश का मौसम है तो हम किसी भी स्थिति में ऑप्शन को लंबे समय तक बाधित नहीं होने देंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे जो भी लोग इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न। आज का घोष विक्रय होगा या नहीं होगा? बिल्कुल आज घोष विक्रय शुरू होगा। मैंने व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वो जो है अपना घोष विक्रय शुरू करेंगे और जो भी हम्बालों को डराया गया है, मैं हम्बालों से भी अपील करती हूँ कि आप लोग जो है वो बिना किसी इशू के यहाँ पर काम करें। कोई भी व्यक्ति आपको डरा से धमकाता है तो आप हमें रिपोर्ट करेंगे, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई। टोल के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए? टोल बड़े टोल कांटे से मतलब मेजरली हो रहा है और आज हम्बाल वापस आ जाएंगे। मैडम, शहर की मंडी बार बार बंद होने से कहीं ना कहीं शहर की साख भी खराब हो रहा है। पिछले 2-3 महीने से हमने इसको सुचारू रूप से चलाया है। जरूर शुरू में डिसकंटिन्यूअस हो रहा था और उस वक्त भी हम्बाल जो है कुछ हम्बाल परेशानी क्रिएट कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और अभी आगे भी की जाएगी अगर वो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करते हैं। कितने लोगों पे कार्रवाई की? अल्टीमेटली जो है यहाँ पर दूर दूर से किसान जो आते हैं उनको असुविधा ना हो और सभी स्टेक होल्डर जो मंडी के हैं, चाहे वो व्यापारी हो, हम्बाल हो, सुलावती हो और किसान, ये सभी लोग सुचारू रूप से इस सिस्टम में काम करें, यही हमारी भी प्राथमिकता है। वापिस इस कार को अवरुद्ध किया गया है अपनी मनमानी करते हुए, शासन द्वारा इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या कारण है कि कार्रवाई से कोई सूचना थी क्या? श्रमिक पूर्व से कोई सूचना नहीं थी। कल इन्होंने माहौल क्रिएट करा, हमने शासन को सूचना दी थी, कल हमको ऐसा पता लगा कि यार ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो हमने मंडी सचिव महोदय को जानकारी दी थी कि इस टाइप से माहौल क्रिएट हो सकता है, आप देख लीजिए। तो उसके बाद फिर ये स्थिति निर्मित हुई। हमारी उपज लेके किसान आए परेशान हो रहे हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था जमा रहे? हम लोग मंडी स्टार्ट कर दी थी हमने, लेकिन क्या हुआ, हमने 15-20 ट्राली की मंडी करने के बाद इन लोगों ने हमारे जो काम करते हैं, किसान का माल तोलते हैं, उन लोगों को बाहर निकाल के उनको डराया धमकाया तो वो लोग सब काम छोड़कर चले गए। अभी हम किसान का माल परचेस कर लेते हैं तो माल कैसे तोल पाएगा, किसान फिर परेशान होगा। अभी यहाँ सुरक्षित ट्रालियां खड़ी है, यदि ओपन में चली जाएंगी ट्रालियां तो किसान का माल गीला हो जाएगा बारिश का मौसम में, तो उसकी व्यवस्था कैसे जमेगी, फिर किसान परेशान होगा। विगत कई सालों से लगातार ये समस्या मंडी क्षेत्र में बनी हुई थी ना भैया? विगत कई वर्षों से लगातार ये समस्या मंडी कमेटी में बनी हुई, तो इसका कोई स्थायी समाधान व्यापारी नहीं निकाल पा रहे हैं? स्थायी समाधान हो गया, जिसका माल मंडी डीएस महोदय आए थे, उन्होंने एक बोल दिया था कि जिसका माल उसका हम्बाल, जो व्यक्ति काम कर रहा है व्यापारी वो उसके मर्जी से हम्बाल रख सकता है। किसी जैसे आप खेती का काम करवाते हैं किसान, उसकी मर्जी से हाली रखेगा। हम किसी से भी काम करवाए मंडी में 3 महीने से कोई कंप्लेंट नहीं थी, किसी प्रकार की किसान की कंप्लेंट, व्यापारी की कंप्लेंट, अदर किसी व्यक्ति कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन इतनी सुचारू व्यवस्था चलने के बाद भी वापस 4-5 लोगों द्वारा माहौल को क्रिएट करके खराब करने की कोशिश की जा रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।